विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार और उनसे संबंधित शासकीय योजनाओं की जानकारी दी गई। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर काशीपुर कोतवाली में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने भाग लिया। कोतवाली प्रभारी प्रदीप मिश्रा ने लोगों को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यकों से जुड़े कानून और उसकी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने पढ़ाई से संबंधित छात्रवृत्तियों और छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं के बारे में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बताया। इस दौरान उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पदाधिकारी फारूक अंसारी ने बताया, प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विकास निगम की तरफ से स्वरोजगार योजना, हुनर योजना और शिक्षा के लिए कम ब्याज पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की हैं। आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में यहाँ प्रत्येक वर्ष इसे 18 दिसंबर को मनाया जाता है ये, और पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और पूरे विश्व स्तर पर मनाया जाता है ये। मैं BJP जिला उपाध्यक्ष, पूर्व जिला उपाध्यक्ष काशीपुर उद्धव नगर से, और माननीय मजहनी नवाब अल्पसंख्यक आयोग को उपाध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री उनकी तरफ से सूचना मिली थी और सचिवालय की तरफ से लेटर जारी हुआ था DM SSP के माध्यम से। और यहाँ कोतवाली कौशिकपुर में यहाँ प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है और यहाँ अल्पसंख्यकों को जो हनन होता है उसके बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ऐसा हमारा प्रयास है कि जो अल्पसंख्यक अधिकार है वो उनको मिले और किसी भी अल्पसंख्यक कार्यकर्ता के साथ, किसी भी अल्पसंख्यक समाज के साथ कोई ऐसा उसका अधिकारों का हनन ना हो, उसका जो अधिकार उसको मिले, ऐसा हमारा प्रयास है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।